IPL 2020 के पांचवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 54 गेंदों में सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। रोहित के अलावा सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दूसरे ही ओवर में 1 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव 47 और रोहित 80 ने दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की। रोहित ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 3 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं सूर्य कुमार ने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। IPL 2020 में रोहित का यह पहला अर्धशतक है। इसके साथ ही रोहित ने IPL में अपने 200 छक्के भी पूरे कर लिए। वहीं रोहित अब IPL में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इन दोनों के अलावा सौरभ तिवारी ने 13 गेंदों में 21 और हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए। वहीं कोलकाता के लिए पैट कमिंस काफी महंगे साबित हुए। कमिंस ने 3 ओवर में 49 रन दिए। सुनील नारायण और युवा शिवम मावी ने कमाल की गेंदबाजी की। नारायण ने अपने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं मावी ने अपने कोटे के 4 ओवर में 1 मैडन के साथ 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए।